हेलो एवरीवन, आई एम बैक अगेन विद द अनदर वीडियो ऑफ केमिकल काइनेटिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। लेट इस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4.10 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। इन अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, दीज आर द टू रिएक्टेंट्स, द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आर जीरो was measured for different initial concentration of A and B as given below in the table. You can see यहाँ पर A का concentration दे रखा है because mole per liter is the unit of the concentration. जो first है वो 0.20 है A का concentration, B का 0.30 है and rate of जो reaction दे रखी है वो initial rate दे रखी है आपको, वो भी आपको दे रखी है। तो यहाँ पर three conditions आपको दे रखी है। First condition is this, second is this एंड थर्ड इज दिस। और पूछा क्या है, वॉट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए एंड बी। तो सिंपली इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग यू कि रेट है जो रिएक्शन का, ठीक है, और रेट कॉन्स्टेंट है, उसमें ए का पावर कितना है, राइट, वॉट इज द पावर ऑफ ए एंड वॉट इज द पावर ऑफ बी, राइट। ये पूछा गया कि व्हाट इज द पावर ऑफ कंसंट्रेशन बी। तो हमको ए का पावर निकालना है एक्स और बी का पावर निकालना है वाई, ये हमको निकालना है जो कि अननोन है। तो यहाँ पे आपको थ्री केस दे रखे हैं। यहाँ पर केस वन है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, केस टू है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड केस थ्री है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो इन तीनों केसेस के लिए हम लोग जल्दी से रिएक्शन लिख लेते हैं। तो चलिए केस वन के लिए हम लोग रिएक्शन लिखते हैं। तो हमको पता है कि हमको रेट एक्सप्रेशन दे रखा है और रेट हमको जो दे रखी है वन के लिए वो दे रखी है हमको 5.07 × 10^5। तो यहाँ पे आर की जगह पर मैं यहाँ क्या लगाने वाली हूँ, 5.07 × 10^-5 इक्वल टू के विच इज अननोन फॉर अस आल्सो। और कंसंट्रेशन जो ए का दे रखा है पहले केस में 0.20 दे रखा है, इसका पावर हमने एक्स मान लिया है, और बी के केस में 0.30 दे रखा है, इसका पावर हमने वाई मान लिया है। इसी तरह से हम केस टू के लिए भी रिएक्शन लिख लेंगे और केस थ्री के लिए भी लिख लेते हैं। ओके, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने केस वन, केस टू और केस थ्री तीनों के लिए ही इक्वेशंस लिख ली हैं और यहाँ पर हमको एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं इजी इक्वेशंस देखते हैं जिनको डिवाइड करके कोई टर्म्स कट हो जाएंगे इजीली और हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि इक्वेशन वन और इक्वेशन टू में यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है वो इक्वल है, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ और मैं क्या करूंगी, मैं इक्वेशन वन को डिवाइड कर दूंगी इक्वेशन टू से। लेट डू इट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन वन में क्या है आपका, 5.07 × 10^-5 डिवाइडेड बाय, इक्वेशन टू में भी सेम ही है 5.07 × 10^-5 के, इक्वेशन वन में 0.20 है पावर एक्स, 0.30 है पावर वाई और यहाँ पर इक्वेशन टू में है आपका के 0.20 पावर एक्स, 0.10 पावर वाई, राइट। अब यहाँ पर देखिए कैसे के कट हो रहा है और 0.20 एक्स से 0.20 एक्स कट हो रहा है और ये पूरे से ये कंप्लीट कट हो रहा है। तो यहाँ पर आपका आ गया वन और यहाँ पर अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 0.30 डिवाइडेड बाय 0.10 का पावर वाई, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर आपका थ्री आने वाला है, तो थ्री का पावर वाई आएगा। तो आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन थ्री का पावर वाई। होपफुली आपको समझ में आया होगा, दिस इज गोइंग टू बी इजी फॉर यू। अब आपको पता है कि हमको बेसिस को अगर पावर निकालना है तो हमको बेस को क्या करना होता है, कंपेयर। अब कोई भी नंबर वन है तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी नंबर का अगर पावर हम जीरो लिखते हैं तो वो किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है। वही हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं, वन को थ्री का पावर जीरो लिख सकते हैं। होपफुली मैथमेटिक्स आप लोगों को थोड़ी बहुत तो आती होगी। तो यहाँ हम कंपेयर करेंगे पावर्स को, तो ऑन कंपेयरिंग पावर हम देख रहे हैं y का जो वैल्यू आ रहा है वो जीरो आ रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि हमारा जो पहला नीड था कि भाई y का पावर कितना है, तो ये हमारा y का पावर आ गया जीरो। तो यहाँ पे ऑर्डर आ गया v का, जो पावर आ गया एक्सपेरिमेंटल वैल्यू v का, v की कंसंट्रेशन का वो जीरो है। अब एम है x को निकालना, तो x को निकालने के लिए हम लोग, जब हमको y का वैल्यू पता चल गया तो अब हम इजी करने के लिए
इक्वेशन थ्री को डिवाइड करते हैं इक्वेशन वन से. लेट्स सी हाउ टू डू इट. अगर आप कोई दूसरे तरीके से भी करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट. मुझे ये इजी लगता है तो मैं ऐसे करने वाली हूँ. अब हम एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. इसके लिए हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर थ्री को डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर वन से. चलिए करते हैं. इक्वेशन नंबर थ्री में क्या है आपका, 1.43 मल्टीप्लाई बाय 10 द पावर माइनस 4 इक्वल टू के एंड कंसंट्रेशन 0.40 का पावर एक्स, कंसंट्रेशन 0.05 का पावर वाई एंड डिवाइडेड बाय द इक्वेशन नंबर वन 5.07 इंटू 10 द पावर माइनस 5 के 0.20 पावर एक्स 0.30 पावर वाई. अब ये देखिए आप कैसे के कट जाएगा यहाँ पे इजीली. और हमको पता है कि जो वाई का जो हमने पावर अभी अभी निकाला है वो जीरो निकाला है, तो वही करते हैं हम लोग. वाई की जगह पे हाँ यहाँ पे हम जीरो भी कर सकते हैं. और अगर आप किसी का भी पावर जीरो होता है, किसी भी नंबर का पावर जीरो होता है, तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू वन. अभी अभी मैंने आपको बताया था. तो ये पूरा के पूरा टर्म हम लोग यहाँ रब करके वन लिख सकते हैं. सो आई एम डूइंग द सेम, आपको भी वही करना है. और किसी भी नंबर में वन का मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर उसी के इक्वल हो जाता है. होपफुली यू नो ऑल दीज थिंग्स, सिंपल मैथमेटिक्स. ओके, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये हमारा वैल्यू आने वाला है 2.82 के. ओके, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप सीधे देख रहे हो पावर सेम है, तो ये टू टाइम जा रहा है, तो ये आ रहा है 2 की पावर x के. ओके, अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, ऑन टेकिंग द लॉग बोथ साइड. ठीक है, व्हाट वी नीड टू डू, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड. तो अब हम लॉग लेते हैं इधर, तो क्या आएगा, लॉग 2.82 इक्वल टू लॉग 2 का पावर एक्स. अब जब भी जो पावर में एक्स होता है वो आगे आ जाता है, ये लॉग में होता है, आप लोगों को होपफुली आता ही होगा. नहीं आता होगा तो यहाँ सीख लीजिए, जो पावर में है ये आगे आ जाएगा लॉग 2. और हमको x का वैल्यू निकालना है तो x बराबर क्या होगा, लॉग 2.82 डिवाइडेड बाय लॉग 2. आप लॉग 2.82 का वैल्यू रखिएगा, लॉग 2 का वैल्यू रखिएगा, तो यहाँ पर x का वैल्यू नियरली आएगा 1.5. तो यहाँ देखिए x का वैल्यू ये हमको रिक्वायर्ड था, y का वैल्यू वो हम निकाल चुके थे, दैट इज 0. और अब यहाँ पे हम लोग रखने वाले हैं a x का वैल्यू, दैट इज 1.5. तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है x इक्वल टू 1.5 विद रेस्पेक्ट टू a, कंसंट्रेशन ऑफ a, y इक्वल टू 0 विद रेस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ b रिएक्टेंट. तो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10. तो होपफुली आपको इजी लगा होगा. और इसी मैनर में हमको क्वेश्चन नंबर 4.11 भी करना है. लेट सी क्वेश्चन नंबर 4.11. सो गाइस दिस इज क्वेश्चन नंबर 4.11. लेट रीड दिस क्वेश्चन. द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडीज ऑफ द रिएक्शन. 2a plus b, these are the reactant and c plus d, these are the product. और यहाँ पर हमको 4 experimental values दे रखे हैं. Experiment 1, 2, 3, 4. Concentration a का दे रखा है experiment 1 में और b का दे रखा है. And initial rate of reaction दे रखा है. ऐसे second में, third में and fourth में भी दे रखा है. Determine the rate law and rate constant. तो हमको यहाँ पे rate law भी पता लगाना है. हमको पता है कि a का power कुछ x होने वाला है और बी का पावर कुछ वाई होने वाला है. तो हमको ये रेट लॉ पता लगाना है, मतलब कि यहाँ पर एक्स एंड वाई के वैल्यू फाइंड आउट करने हैं. एंड साथ में इसमें एक नई बात भी है कि हमको के का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है. तो पहले हम एक्स एंड वाई के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जैसा कि हमने 4.10 में किया था. तो वहां पर हमको दे रखे थे कुछ 3 एक्सपेरिमेंट्स वैल्यू और यहाँ पे हमको 4 एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज दे रखे हैं. तो इस रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 4 रिएक्शंस या इक्वेशंस हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं. तो केस 1 में हमारा क्या होने वाला है, केस 2 में क्या होने वाला है, केस 3 में हमारा क्या होने वाला है और केस 4 में हमारा क्या होने वाला है वो हम लोग जल्दी से यहाँ लिख लेते हैं. तो आर इक्वल्स टू के, कंसंट्रेशन एक्सपेरिमेंटल 1 में 0.1 दे रखी है और पावर हमने x मान लिया, राइट. और यहाँ पे b की भी 0.1 दे रखी है और y मान लिया. ये हमारे इक्वेशन 1 होगा.
और यहाँ पे हमको आर का भी वैल्यू दे रखा है, दैट इज 6.0 इनटू 10 द पावर -3, तो हम यहाँ पर आर का वैल्यू भी पुट कर देते हैं. तो दिस इज वैल्यू ऑफ आर 6.0 इंटू 10 द पावर -3. इसी तरह से हम केस टू, केस थ्री, केस फोर के भी रिएक्शन लिख लेते हैं. ओके गाइज, आप लोग देख पा रहे हो मैंने इक्वेशन 1, 2, 3, 4 लिख दिया है. एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2, 3, 4 के अकॉर्डिंग आर का वैल्यू आपको यहाँ से लिखना है, ए का कंसेंट्रेशन यहाँ से और बी का कंसेंट्रेशन यहाँ से लिखना था. ओके, अब हमें क्या रिक्वायर्ड है कि हमको भाई एक्स का वैल्यू बताना है, वाई का वैल्यू बताना है. तो जैसा हमने किया था 4.10 में वैसे ही करेंगे. सिंपल इक्वेशन देखते हैं जो कट हो जाएंगी. तो आप देख पा रहे हो कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 में यहाँ पे 0.1 का पावर वाई और 0.1 का पावर वाई सेम है, तो हम इसको लेते हैं. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 4 बाय 1. चलिए जल्दी से कर लेते हैं इसको भी. ओके, सो 4 पे क्या है आपका 2.40. देखिए वैल्यूज को अगर आप गलत लिखने वाले हैं तो आपका आंसर भी गलत आएगा, राइट. तो ध्यान रखिएगा कि भाई आप जो वैल्यूज लिखने वाले हो वो एकदम करेक्ट लिखें. भाई कंसंट्रेशन तो काम करते वक्त होना ही चाहिए ना. अगर उस वक्त भी अगर आप कटरीना कैफ के बारे में सोच रहे हैं तो क्या ही फायदा ना काम करने का. ओके, देखिए जल्दी से मैंने लिख लिया यहाँ पर. आप देख रहे हो कि 0.1 बाय से 0.1 बाय पूरा की पूरा टर्म यहाँ कट हो गया, के से के कट हो गया. और हमको पता है कि यहाँ पर आप पॉइंट को कैंसल आउट करेंगे तो यहाँ पर क्या आने वाला है, 10, 10, राइट. तो ये 10 का पावर -2 से ये पूरा कट हो गया, 6 4 24, राइट. देखिए कैलकुलेशन भी मैंने आपको करके दिखा दिया. अगर आप इसको पॉइंट को हटाएंगे तो क्या आएगा, 4 का पावर x. ऑन कंपेयरिंग पावर्स कितना इजी यहाँ पर हमको दिख रहा है कि पावर को कंपेयर करते ही हमको पता है कि कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो x क्या आएगा, 1. तो यहाँ पर हमने जल्दी से x का वैल्यू भी हमने सॉल्व कर लिया. तो यहाँ पर x का वैल्यू आ रहा है 1. अब हमें y का वैल्यू निकालना है. तो आप देख रहे हो कि इक्वेशन 2 और 3 में ये आपका जो टर्म है ये सेम है, तो जल्दी से इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे. ओके, नाउ हमने रब कर लिया है. अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को 2 से डिवाइड करते हैं. डिवाइड इक्वेशन 3, आप और भी कर सकते हो अगर आपको टफ करना है क्वेश्चन को, इजी करना है तो वो सेम चीजें देखते हैं जो इजीली आपकी डिवाइड हो रही है. तो 3 में क्या है बेटा, 2.88 इंटू 10 द पावर -1 एंड डिवाइडेड बाय 7.2 इंटू 10 द पावर -2. 2.88 का के, 0.3 का पावर एक्स, 0.4 का पावर वाई डिवाइडेड बाय ए 0.3 का पावर एक्स एंड 0.2 का पावर वाई. तो ये पूरा के पूरा टर्म यहाँ से कट होने वाला है. अगर हम इसको कट करेंगे यहाँ पर तो हम देखेंगे कि कट होकर वैल्यू आपका 4 आने वाला है, करके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक. और इसको कट करेंगे तो यहाँ पे 2 का वैल्यू 2 का पावर y आने वाला है. आपको पता है कि हम 4 को 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, बेस के अकॉर्डिंग हमको यहाँ करना है 2 का पावर y. ऑन कंपेयरिंग पावर्स, ऑन कंपेयरिंग पावर्स, तो यहाँ पे y = 2 आ गया. तो हम यहाँ पर y की वैल्यू भी निकाल चुके हैं. तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो हमारा सॉल्व हो गया, पार्ट 1 क्वेश्चन का सॉल्व हो गया, रेट लॉ. तो रेट लॉ हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारा रेट लॉ आ रहा है. जल्दी से हम लोग यहाँ पे रेट लॉ को करेक्ट कर देते हैं. तो यहाँ पे रेट लॉ आ रहा है a का पावर 1 और p का पावर 2. तो हमको 1 दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा रेट लॉ है. नाउ सेकेंड पार्ट बोला है रेट कांस्टेंट निकालना, माने k का वैल्यू निकालना. तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग x और y की वैल्यू रखेंगे हर केस में और हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे k का वैल्यू हर केस में. चलिए जल्दी से करते हैं अभी. अब हमें k का वैल्यू निकालना है तो इस रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, आर डिवाइडेड बाय a का पावर 1 एंड b का पावर 2. तो अब हम लोग हर केस में इक्वेशन नंबर 1 के लिए अगर हम देखते हैं तो हमें k का वैल्यू निकालना है. तो r का वैल्यू कितना है इसका, 6.0 इंटू 10 द पावर -3. a का कंसेंट्रेशन कितना है बेटा, 0.1 है उसका पावर 1 है और b का है 0.1 उसका पावर 2 है. अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, आप यूनिट भी लिख सकते हैं, और आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 6.0 लीटर का पावर 2 मोल -2 एंड मिनट इनवर्स. ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 के लिए है. इक्वेशन नंबर 2 के लिए देखिए आप लोग, k = आर का वैल्यू है 7.2 इंटू 10 द पावर -2. डिवाइड करेंगे
तो यहाँ पे 0.3 है कंसंट्रेशन, जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। पावर हो गया 1 इसका, और 0.2 और वाई का पावर, वाई का वैल्यू 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी आपका सेम वैल्यू आपका आने वाला है। ठीक है, अब हम थर्ड के लिए करेंगे। तो थर्ड के लिए 2.88 इंटू 10 द पावर माइनस 1 एंड 0.3, क्योंकि x का वैल्यू 1 है और 0.4 की y का वैल्यू 2 है, तो इधर भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो सेम ही आपका k का वैल्यू आने वाला है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2.40 इंटू 10 द पावर माइनस 2 एंड हमें के का वैल्यू निकालना है 0.4, पावर 1 आएगा क्योंकि एक्स का वैल्यू 1 आया है, और 0.1 पावर आएगा आपका 2। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो सेम आपका आने वाला है। और डू नॉट फॉरगेट टू राइट द यूनिट, तो दिस क्वेश्चन इज ओवर। तो यहाँ पे हमारा ओवरऑल जो के का वैल्यू है सेम है, तो 6.0 लीटर का पावर 2 मोल माइनस 2 और मिनट इनवर्स हमारा आंसर हो गया, और हमारा रेट लॉ आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं। तो बोथ दी क्वेश्चन आर सॉल्व 4.10 4.11। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।